दूत बनकर के आया है, क्या संदेश लाया होगा? पर वेशभूषा तो कृष्ण के जैसी है। दूसरी बोली, हाँ सुना है उन्हीं का कोई अंतरंग सखा है। अब तो हो गया, एक भ्रमर को आते हुए देखा। यह एक भ्रमर गीत का बड़ा सुंदर वर्णन सुखदेव जी ने किया है। एक भ्रमर गुनगुन करते हुए गोपियों की ओर आया और उसी को निमित्त बना करके गोपियां बोल रही है, मधुर तवे रंगो सांग्रीम सतया कुछ विरल तमारा उनको विस्तरा वह तो मधुपत स्मार नीनाम प्रसाद यद सदेश कष्टम यस्य दो कस्तमाय जक। अरे भ्रमर, क्या मधुर मधुर गुनगुन कर रहा है, हमारे पास मत आना। गोपियां भ्रमर को देखकर कह रही है, हम जानती है कि तू मथुरा से आ रहा है और वहां हमारे सौतनों के गले में पड़े हुए पुष्पमाला पर बैठकर तू आया होगा और उनका पराग तेरे पंख में लग गया होगा। अब वह पराग हम पर पड़ेगा, हमसे सहन नहीं होगा, चला जा। वह भ्रमर गुनगुन कर रहा था, गोपियां कहने लगी, क्या मीठा मीठा गुनगुना रहा है, नहीं सुनना तेरी बातें। वो भी बहुत मीठा बोलता था, तू भी काला है और वह भी काला है, तू भी बहुत मीठा बोलता है और वह भी बहुत मीठा बोलता था, और मीठा बोलता था इसीलिए तो उसकी बातों में फंसी कि जो मैं ऐसा जानती लौटने लगे और जैसे ही लौट कर चले तो विचार आया, कृष्ण पूछेंगे मेरा संदेश दिया तो क्या उत्तर दूंगा। तो उस समय लौट करके फिर गए, सोचा कि मैं तो संदेश वाहक हूं और संदेश वाहक का काम है संदेश पहुंचा देना, पत्र पहुंचा देना, डाकिया का काम है पत्र पहुंचा देना, और पढ़ने वाला पढ़ता है कि नहीं ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, मैं तो संदेश सुना दूं। और जैसे ही उद्धव जी लौटे, वह भ्रमर भी लौट करके आया और गोपियां कहने लगे, तू फिर आ गया, बड़ा ढीठ है। भ्रमर से कह रही है, ठीक उसी के जैसा तेरा स्वभाव है, उसको भी हम घर से निकाल लेती थी, पीछे के रास्ते से आ जाता था, बहुत हमारे साथ में जो है हास परिहास करता था, बड़ा मीठा बोलता था, अब क्या होना है उन बातों से, अब खुद चला गया, हमें भुला दिया, कहो क्या कहना चाहते हो। कि मैं हाँ सड़ंगे यदुपति के गुणों को तो गाने आया है हम जानते हैं, बेचारे बाली ने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर छुप करके व्याध की तरह बाण मारा। बलि तो अपना सर्वस्व दान करने के लिए तैयार था, लेकिन बलि को बंदी बना करके पटक दिया। अब उद्धव जी सोच रहे हैं कि मैं तो इनको गवार ग्वाले में समझ रहा था, ये तो जानते हैं कि वही राम है, वही जो है बामन है और वही कृष्ण है, इनको सब पता है।
एक गोपी कहने लगी, लक्ष्मी वैसे तो चंचल है, चपला है, पर न जाने कैसे उसके यहां जाकर के स्थिर हो गई। और ये कथा वाचक फिर उसके गुणों को गाते रहते हैं, आखिर क्या है उसके गुणों में, विजय सखी सखी नाम गीयता प्रसंगा क्षिपत गुरुदस्ते कल्पयंती। और ऐसा बोलते बोलते गोपियां धीरे धीरे कृष्ण नाम गाने लगती हैं और कह रही हैं, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है, वही मेरे श्याम है। तो सब जी सोचते हैं कि संदेश कैसे सुनाऊं, ये तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते। बार बार कहा, देखो मैं तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर का संदेश लेकर आया हूं। गोपियां बोली, संदेश तो उसका आता है जो कहीं बाहर गया हो, हमारा कृष्ण तो कहीं गया ही नहीं है। हमारे तन में मन में नैनर में सब जगह कृष्ण समाया हुआ है और कृष्ण कहीं गया ही नहीं है। कि प्रीतम संदेश सुनाने लगे, गोपियां कह रही हैं, प्रीतम को पतिया लिखो, पतिया लिखो, पतिया लिखो, प्रीतम को पतिया लिखो, जो मैं गए कर दे, मन में मन में नैनन में आपको है संदेश, ने देखा कि एक गोपी एक जगह दीवार पर लिख रही है, एक धन एक बराबर एक, एक धन एक बराबर एक। उद्धव ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो, बोले कृष्ण कहकर गए थे कि दो दिन में आऊंगा, तो मैं गिन रही हूं कि दो दिन कब आओगे। उद्धव ने कहा, बाबरी एक धन एक बराबर दो होते हैं, पूरे कितने एक 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 लिख दिए तेरे, दो नहीं हुए। गोपी कहने लगी, मथुरा वासी यही तो प्रेम का गणित है, संसार के गणित में एक और एक मिलकर दो होते हैं, लेकिन प्रेम के गणित में एक और एक मिलकर दो नहीं होते, एक ही होता है, दोनों प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं। हम एक ही है, श्याम हमारे अंदर है, कहो क्या कहना चाहते हो। मथुरा वासी तुम बातें कर रहे हो अद्वैत की, पर जी रहे हो द्वैत में। तुम कहते हो व्यापक है और व्यापक का वियोग संभव नहीं है, बतलाते हो तू भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, पर ब्रह्म होकर ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश क्यों दे रहे हो, जब सब कुछ ब्रह्म है तो उपदेश किसका और कैसा। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाते नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाते नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाते नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाई नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के सांते नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन के सांते नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाते नहीं है,
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, श्याम नाम की औषधि हरि विधि से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं महारोग मिट जाए, कृष्ण कृष्ण पुकार रहे हैं। और जब गोपियों के संवाद को, गोपियों की बातों को उद्धव ने सुना, तो जो उद्धव दो चार दिन का सोच कर गए थे, उन्हें 6 महीने कब बीत गए पता ना चला। एक ज्ञानी का ज्ञान प्रेमियों के प्रेम में रंग गया, और उद्धव जो ज्ञानी थे वो प्रेमी बन गए। अब उद्धव गोपियों को प्रणाम करने का भी साहस नहीं कर पा रहे हैं, गोपियों को प्रणाम नहीं किया, चरणों में प्रणाम नहीं किया, बल्कि गोपियों के चरणों की रज उठा करके सर पर लगाने लगे, और गोपियों के चरण रज को उद्धव प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज श्री राम, I'm